दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में शनिवार रात दो गुटों में खूनी टकराव हो गया। दोनों तरफ से पथराव और गोलियां चलाई गई, जिसमें एक की मौत और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। इस घटना के बाद से इलाके के लोग खौफजदा हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुरानी रंजिश टकराव की वजह बताई जा रही है। त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक इलाके में मन्ना नामक व्यक्ति की आसिफ शाहिद और मौसन से पुरानी रंजिश चली आ रही है। पहले भी दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो चुकी है। दोनों पक्ष के बीच कई बार समझौता भी हो चुका है, जिसके चलते काफी वक्त से शांति बनी हुई थी। शनिवार शाम को अचानक दोनों पक्षों में आमना सामना हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव होने लगा, गोलियां भी चलने लगी। बताया जाता है कि इस टकराव में शाहिद नाम के युवक की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं। सूचना मिलते ही एसीपी त्रिलोकपुरी का कार्यभार संभाल रहे एसीपी कल्याणपुरी मयूर विहार फेज एक थाने के एसएचओ को लेकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। दस बजे के करीब थाना मयूर विहार में एक कॉल रिसीव हुई थी रिगार्डिंग फायरिंग। तो यहाँ दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ है, जिसमें गोली चली है। तो इसमें एक तरफ कासिम और शाहिद है और दूसरी तरफ मन्नान है। इसमें शाहिद जो है वो डेड है और चार पांच लोगों को और इंजरीज हैं, जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको माइनर इंजरीज है। देखिए, ये पड़ोसियों का ही आपस में झगड़ा है और सेम ऑलमोस्ट सेम गली में आमने सामने इनके घर हैं। तो ये इस तरह से कोई इसमें लूटपाट या उस तरह कोई एंगल नहीं है।